रेडमी नोट 7 प्रो और सैमसंग एप 30 दोनों की सेल इंडिया में स्टार्ट होने वाली है, तो एक क्विक कंपैरिजन में इस वीडियो में करने वाले हैं कि कौन सा फ़ोन आपके लिए बेहतर रहेगा। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डिस्प्ले से। डिस्प्ले की बात करें तो रेडमी नोट 7 प्रो में आपको डिस्प्ले मिलने वाली है IPS LCD डिस्प्ले, 6.3 इंचेस की डिस्प्ले है और ड्यू ड्रॉप नॉच आपको इसमें मिलने वाली है। अगर बात करें प्रोटेक्शन की तो इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट और बैक दोनों तरफ मिलने वाली, जो एक अच्छी बात है। बात करते हैं सैमसंग M30 की, इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है 6.4 इंचेस की, इसमें भी आपको ड्यू ड्रॉप नॉच मिलने वाली है, लेकिन डिस्प्ले की प्रोटेक्शन की बात करें तो आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाली है। डिज़ाइन की बात करें तो रेडमी नोट 7 प्रो में आपको फ्रंट बैक में ग्लास डिज़ाइन मिलेगा, काफ़ी प्रीमियम लुक लगती है। सैमसंग M30 की बात करें तो पॉलीकार्बोनेट बॉडी, प्लास्टिक बॉडी में आपको फ़ोन मिलने वाला है, इतना प्रीमियम नहीं लगता है हाथ में। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर की बात करें तो रेडमी नोट 7 प्रो में आपको स्नैपड्रैगन 675 मिलने वाला है, जो 11 नैनोमीटर का एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। GPU आपको मिलने वाला है एड्रीनो 612, काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है और अच्छा GPU आपको मिलने वाला है, जो कि गेमिंग और परफॉर्मेंस के लिए बहुत बेहतर रहेगा। सैमसंग M30 की बात करें तो इसमें आपको एक्सिनो 7904 मिलने वाला है, जो आपको मिलता था सैमसंग के ही M20 में। तो अगर प्रोसेसर की बात करें तो 675 के सामने काफ़ी वीक प्रोसेसर है, क्योंकि 14 नैनोमीटर का है। और उसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं जब हम प्रोसेसर की, तो सबसे पहले दिमाग में आता है N22 बेंचमार्क की। तो N22 बेंचमार्क की बात करें तो 675 यानी कि नोट 7 प्रो का जो N22 बेंचमार्क है 4GB 64GB वेरियंट का, लगभग 1,80,000 मिलता है स्कोर जो मिलता है। और M30 सैमसंग में आपको स्कोर जो मिलता है 4/64 के N22 बेंचमार्क का, लगभग 1,07,000 के करीब मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना कमज़ोर ये प्रोसेसर होने वाला है रेडमी नोट 7 प्रो के सामने। अब बात करते हैं मेमोरी कार्ड की और सिम की। तो डुअल सिम दोनों ही फ़ोन हैं, डुअल सिम डुअल 4G वॉल्टी मिलते हैं। और आपको जो नोट 7 प्रो में मिलने वाला है वो मिलने वाला है हाइब्रिड स्लॉट, यानी कि आप या तो एक सिम यूज़ कर पाएंगे और या दोनों सिम आप यूज़ करना चाहें तो मेमोरी कार्ड यूज़ नहीं कर पाएंगे, एक सिम के साथ आप मेमोरी कार्ड यूज़ कर पाएंगे, वो भी 256GB तक का। अगर सैमसंग M30 की बात करें, इसमें आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है, यानी कि आप दो सिम और मेमोरी कार्ड यूज़ कर पाएंगे, वो भी 512GB तक का दोनों में ही। अब कैमरे की बात करें तो सैमसंग M30 की बात करते हैं अगर कैमरे की, तो बहुत अच्छा आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है, जिसमें आपको 13 मेगापिक्सल का एक कैमरा, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए एक कैमरा और 5 मेगापिक्सल का ही डेप्थ सेंसर मिलता है। अगर बात करें रेडमी नोट 7 प्रो की, तो इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का एक कैमरा और 5 मेगापिक्सल का एक कैमरा मिलता है, ये भी काफ़ी अच्छा कैमरा होने वाला है रियर में। अगर फ्रंट की बात करें तो रेडमी नोट 7 प्रो में आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और सैमसंग M30 में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। बैटरी की बात करें तो रेडमी नोट 7 में आपको 4000mAh की बैटरी मिलती है, जबकि सैमसंग M30 में आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है। दोनों में ही आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है। रेडमी नोट 7 में प्रो में आपको 18W का चार्जर मिलता है, फास्ट चार्जिंग मिलती है, USB Type-C मिलती है, अच्छी बात है। इस बार रेडमी ने जो आपको एक तो प्रोटेक्शन गोरिल्ला ग्लास 5 दिया है और USB Type-C दी है। सैमसंग M30 की बात करें तो उसमें भी आपको USB Type-C मिलती है, 5000mAh की बैटरी मिलती है, 15W का चार्जर मिलता है, फास्ट चार्जिंग मिलती है। अब फाइनल बात आती है प्राइसिंग की। तो रेडमी नोट 7 प्रो आपको मिलता है 4/64 वाला वेरियंट लगभग 14,000 रुपये में मिलेगा और 6/128 वाला वेरियंट लगभग आपको 17,000 रुपये में मिलेगा। और सैमसंग M30 आपको 4/64 वाला वेरियंट लगभग 15,000 में मिलेगा और 6/128 वाला वेरियंट लगभग 18,000 रुपये में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, नहीं पसंद आई तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्यों पसंद नहीं है। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें।